बस ये देखो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की शीट है सबके पास, कितने लोगों के पास नहीं है? 5 मिनट वेट करो, प्रिंट लेके आ रहा है, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं आज का लेक्चर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, शीट नंबर 152 नंबर शीट है, इसका प्रिंट आउट लेंगे, और जिनके पास ये शीट है वो लिख लें नॉट फॉर एनसीईआरटी। तो सबसे पहले शीट के ऊपर नॉट फॉर एनसीईआरटी, स्कूल के लिए कोई नहीं पढ़ के जाएगा इसमें से। और इसमें जो प्रूफ मैंने अभी किए हैं वो प्रूफ आपको कोई पूछेगा भी नहीं कैसे करने हैं, आपको एंड के फॉर्मूले देखने हैं, पर एंड के फॉर्मूले कैसे आए उसके लिए मेरे को आपको प्रूफ बताने पड़ेंगे। ये टॉपिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का टॉपिक क्या है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के टॉपिक के अंदर सबसे पहली बात हमने क्या स्टडी किया आज तक, कि ये एक कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है। बैटरी की ईएमएफ है, कैपेसिटर कनेक्ट किया हमने, और लेट अस सपोज इस बैटरी ने इस प्लेट में से चार्ज को निकाला और यहां से यहां प्रोड्यूस कर दिया। तो चार्ज जब यहां से यहां जाएगा तो यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर माइनस होगा। जब तक चार्ज यहां से यहां मूव कर रहा है तब तक वायर में करंट आएगा। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा वायर में कोई करंट नहीं आएगा, और कैपेसिटर हम बोलते हैं कि डीसी करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। क्यों? जब वो फुली चार्ज हो जाता है तो कोई भी चार्ज यहां से निकल के यहां पे आ नहीं जाता या आ नहीं सकता, इसलिए करंट इसमें प्रोड्यूस ही नहीं होगा वायर में। पॉइंट नंबर वन क्लियर है। लेकिन जब तक ये फुली चार्ज नहीं होता तो पहले इसके ऊपर चार्ज कितना है? जीरो। और मान लो कंप्लीट चार्ज इसके ऊपर कितना आ जाता है? क्यू नॉट। तो जब तक चार्ज, क्यू नॉट का मतलब मैक्सिमम चार्ज है, जब तक चार्ज मैक्सिमम नहीं होता तब तक वायर में क्या रहेगा? करंट रहेगा। कोई डाउट इसमें? तो किस टाइम पे कितना करंट रहेगा और फुल चार्ज होने में कैपेसिटर कितना टाइम लगाएगा, क्योंकि उसके बाद तो कैपेसिटर अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा और किसी वायर में कोई करंट नहीं होगा, लेकिन जब तक वो फुली चार्ज है तब तक करंट होगा, तब तक चार्ज इसमें इंक्रीज हो रहा होगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो जीरो और क्यू नॉट के बीच में, कि जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता तब तक चार्ज की वैल्यू क्या होगी इसमें, इसके ऊपर हमारा टॉपिक है आज का। पॉइंट नंबर वन क्लियर है कि हमारा टॉपिक अब वो नहीं है कि स्टेडी करंट है और स्टेडी करंट के अंदर कैपेसिटर को ये ना कहे कि कोई चार्ज इसमें पास नहीं होगा या करंट पास नहीं होगा, क्योंकि इसके इसमें तब तक करंट पास होगा वायर में जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होता। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? दूसरा, अब चार्ज किस टाइम पे इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, मतलब 1 सेकंड पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 3 सेकंड पे क्या होगा, मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं आपको। आप टाइम की वैल्यू पुट करना, आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। कैपेसिटर में कितना चार्ज किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज है, जिसको इंस्टेंटेनियस चार्ज बोला जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो चार्ज कॉन्स्टेंट हो जाएगा जब ये फुली चार्ज हो जाएगा। और अगर डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, बैटरी हटा देते हैं, कैपेसिटर फुली चार्ज था और कैपेसिटर की दो प्लेट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, नेगेटिव चार्ज निकल के प्लस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, तो जब तक ये न्यूट्रलाइज हो नहीं जाता, जब तक वापस चार्ज जीरो नहीं हो जाता तब तक वायर में करंट रहेगा, और जब जीरो हो जाएगा तो वायर में करंट नहीं रहेगा। इस प्रोसेस को डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर बोलते हैं। तो जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी कैपेसिटर की, तो उस केस में कितना चार्ज किसी भी इंस्टेंट पे रहेगा कैपेसिटर के अंदर, ये टॉपिक आपको बताएगा। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो सबसे पहले रूल नंबर वन, ये एक कैपेसिटर है, चार्जिंग की बात करते हैं, बैटरी लगाते हैं, बैटरी से चार्ज होता है, इसमें करंट आएगा, किसी भी इंस्टेंट पे कितना करंट होगा? डीक्यू बाई डीटी करंट होगा, और थोड़ी देर बाद चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा, और क्यू का मतलब चार्ज है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज टी रहेगा, क्यू रहेगा। तो अगर मैं इसमें किरचॉफ लॉ लगाऊं, प्लस से माइनस आ रहे हैं तो माइनस क्यू बाई सी, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं माइनस आई इन टू आर, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस ई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो किरचॉफ लॉ का लूप लगाया, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये कैलकुलेशन आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहां से आई आर एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, और आई की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी। फिर काम करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, तो ई सी माइनस क्यू अपॉन सी ये वैल्यू आ गई। फिर एक और काम करते हैं,
ये डी क्यू है, ये पूरी टर्म में क्यू आ रहा है, तो डी क्यू वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इंटीग्रेट किया। जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था, कैपेसिटर में चार्ज क्या था? जीरो। जब टाइम टी हो गया किसी भी इंस्टेंट पे, तो चार्ज क्या हो गया? क्यू। तो टाइम जीरो से टी हो गया, चार्ज जीरो से क्यू हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करके लॉग ऑफ क्या आएगा? लॉग ऑफ ई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, इसको इंटीग्रेशन का स्टेप है, नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ रहा होगा, मेडिकल में जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद करेंगे सिर्फ। और एक बार क्यू की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, लेकिन उससे पहले ई इंटू सी इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जीरो, और डी क्यू बाई डी क्यू वन होगा, तो नीचे माइनस वन बच जाएगा, इंटीग्रेशन का स्टेप है, माइनस वन बच गया। तो एक बार ये माइनस साइन राइट पे चला गया तो माइनस हो गया, एक बार क्यू की जगह अपर लिमिट, एक बार क्यू की जगह लोअर लिमिट, तो ये टर्म आ गई। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ ए अपॉन बी, नेचुरल लॉग चल रहा है, इसका बेस क्या होता है? ई। तो मैथ्स में आप लोग करते हैं, जब लॉग हटता है तो ये ई जो है वो इधर आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये टर्म आएगी, और यहाँ से ई सी बाई ई सी इज वन, तो ये टर्म वन हो जाएगी, और ये राइट साइड पे चला गया क्यू बाई ई सी, ई सी राइट साइड में चला गया, तो ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने ऊपर की थ्योरी कुछ नहीं करनी, और क्यू चार्ज क्या होता है कैपेसिटर में? क्यू इज इक्वल टू सी वी, बैटरी की मैक्सिमम ई एम एफ कितनी है? ई। जब बैटरी की ई एम एफ मैक्सिमम होगी तो चार्ज भी मैक्सिमम होगा, इसलिए सी इंटू वी या सी इंटू ई का नाम क्या लिखा? क्यू नॉट, मैक्सिमम करंट है, और ये टर्म आर सी, आर सी की जगह रिप्लेस करने वाले हैं टाउ, टाउ का मतलब होता है टाइम कॉन्स्टेंट, तो क्यू नॉट इज ई सी, और टाइम कॉन्स्टेंट इसलिए क्योंकि आर और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप मल्टीप्लाई करें या इसके यूनिट्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेकेंड में आएगा या टी में आएगा, टाइम के यूनिट्स के साथ मैच करता है, इसलिए इसको टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, इसके यूनिट्स सेकेंड्स में होते हैं। तो आर इंटू सी की जगह टाउ। तो अब आप एक काम करेंगे, किसी भी सर्किट में अगर आप टी इक्वल टू वन सेकेंड पे चेक करना चाहते हैं कितना चार्ज है कैपेसिटर में, अब वन पुट करें चार्ज आएगा, टू सेकेंड में पुट करेंगे तो टू सेकेंड पुट करेंगे चार्ज आएगा, तो ये इंस्टेंटेनियस चार्ज निकालने का एक तरीका है। ऊपर की थ्योरी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और मेडिकल में ये स्पेशल क्वेश्चन आता है व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, आर इंटू सी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। तो टाउ इज इक्वल टू आर सी, आपको आर गिवन होगा, आपको सी गिवन होगा, और वो कहेगा आर सी सर्किट में टाइम कांस्टेंट निकाल लो, तो टाइम कांस्टेंट हर कोई निकाल लेगा आर इंटू सी। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो ये चार्ज की वैल्यू आपको याद रखनी है, मतलब ऊपर की थ्योरी नहीं याद करनी, बस यहीं तक सफिशियंट है, एक फॉर्मूला याद करना है, दैट्स इट। मैंने प्रूफ इसलिए करवाया था कि आपको थोड़ा पता लग जाए कि ये फॉर्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। जो लोग एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं उनको प्रूफ करने की जरूरत है, क्योंकि एडवांस में कुछ ना कुछ सर्किट में चेंज कर देगा, और किरचॉफ लॉ से यही कैलकुलेशन चलेंगी, और चार्ज का नया फॉर्मूला बनाने को कहेगा एडवांस में, पर ये अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब कहेगा बाद में देखेंगे, फिलहाल मेंस और नीट के लिए इस प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला सफिशिएंट है। और अगर आप टाइम कांस्टेंट है क्या चीज़, इसको चेक करें, टाइम कांस्टेंट एक टाइम है, और ये क्या टाइम है कि अगर आप स्मॉल टी को टाइम कांस्टेंट के इक्वल पुट करें तो टाउ बाय टाउ क्या हो जाएगा? वन। तो आपके पास सॉल्व करके आपके पास चार्ज की वैल्यू आएगी 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो टाइम कांस्टेंट ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर वो टाइम है जब कैपेसिटर में चार्ज कितना कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, 63% हो जाएगा जितना वो मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है। ये फिगर याद रखनी है, 63%। तो एक आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, टाइम कांस्टेंट पे चार्जिंग के दौरान चार्ज कितना हो जाएगा कैपेसिटर में, इतना चार्ज, ये याद रखना है। अगर कैपेसिटर चार्ज होता ही जा रहा है तो बहुत देर के बाद चार्ज क्या होगा? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पुट करेंगे, वन बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, तो चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट मैक्सिमम आएगी, यानी कि कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज कब अटेन करेगा? बहुत देर के बाद, जब टाइम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि कैपेसिटर टाइम लेगा चार्ज होने के लिए। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो अगर आप इस बॉक्स में बने हुए फॉर्मूले का ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ ये आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ये ग्राफ आपको याद करना है, स्पेशली मेडिकल वालों को, कि ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर ग्राफ कैसे बनता है। नॉन मेडिकल वालों को मैथ्स के टीचर सिखाते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ठीक, नहीं सिखाया तो अभी सिखा देंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स के बारे में सिलेबस में है। तो अब ये ग्राफ में चार्ज इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ,
और मैक्सिमम कब होगा एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपने इसमें क्या याद करना है, एक तो फॉर्मूला 63% होता है टाइम कॉन्स्टेंट, ये ग्राफ, और टाइम कॉन्स्टेंट इज आर सी। बस तीन चार चीज़ें याद करनी और कुछ नहीं करना, यहाँ तक सफिशेंट है। फॉर्मूलाज क्लियर है यहाँ के। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की अब हम डिस्चार्जिंग करेंगे। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के केस में अगर आप ध्यान से देखो पूरे सर्किट में, मैंने बैटरी को हटा दिया, बैटरी हटा दी, क्योंकि बैटरी हटाएंगे, बैटरी डिस्चार्जिंग कर रही थी, तो अब डिस्चार्जिंग हो जाएगी। दो प्लेट्स को जोड़ दिया आपने, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आएगा, तो इसमें करंट जनरेट होगा तब तक जब तक कैपेसिटर जीरो चार्ज पे नहीं आ जाता। ठीक, फिर से किरचॉफ लॉ, यहां से यहां चलते हैं, माइनस क्यू बाय सी, करंट की ऑपोजिट आ रहे हैं तो प्लस आई आर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। बैटरी तो है नहीं तो बैटरी की ईएमएफ इसमें कंसिडर नहीं की जाएगी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? So, 团结 is unity or to rally together. Mm-hmm. 团结. Then, 就是力量. Mm-hmm. So, 力量 is strength. Yes. So, literally, unity is strength. Uh-huh. So, 团结就是力量. And 团结, unity, is strength. 就是 is interesting because we know 是 is, it is. Mm. 就是. It is definitely is this, carrying that sentiment. So if I say, because I'm from Shanxi province and I really like noodle, and if I say, 刀削面就是好吃. So the noodles are very delicious. Yes, it is delicious. No matter where it's from, as long as. So first step, सबको clear है discharging का, put out इसमें. ये आपने discharging में क्या किया कि जब तक इसमें ये fully जीरो चार्ज नहीं हो जाता तब तक करंट जाएगा, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस क्यू बाई सी किरचॉफ लॉ, करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं तो प्लस आई इन टू आर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। आई आर एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो चार्ज भर रहा होता है या इंक्रीज हो रहा होता है कैपेसिटर में, तो करंट को लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी, और अगर खाली हो रहा है, रेट कम हो रहा है, जब मैथ्स में रेट कम लिखते हैं तो आगे साइन क्या आता है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। कैपेसिटर खाली हो रहा है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। जब टाइम जीरो है तो चार्ज कितना है, क्यू नॉट है, फुली चार्ज है कैपेसिटर, और जब टाइम टी है तो चार्ज कम हो गया और कितना हो गया, क्यू हो गया किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, कोई डाउट इसमें? वन बाई क्यू डी क्यू क्या होता है, लॉग ऑफ क्यू, क्यू नॉट से क्यू, माइनस वन बाई आर सी टाइम टी। तो यहां से एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये टर्म आ जाएगी, log a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b, ये log के अंदर ये टर्म, log राइट साइड पे जाएगा तो e वाली टर्म इधर आ जाएगी, e raised to power माइनस t by rc, और q इज इक्वल टू q नॉट, ये टर्म आएगी, और rc को क्या बोलते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट tau। तो जब कोई कैपेसिटर खाली हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो उस किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज की वैल्यू ये फॉर्मूला फॉलो करेगी। ये फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड है, प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ नहीं करना। तो चार्जिंग का फॉर्मूला अलग है, डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला अलग है। जब न्यूमेरिकल आएंगे सबसे पहले ये देखा जाएगा कि चार्जिंग का न्यूमेरिकल है या फिर डिस्चार्जिंग है। तो अगर चार्जिंग है तो पिछला फॉर्मूला, डिस्चार्जिंग है तो ये फॉर्मूला। और डिस्चार्जिंग में अगर टाइम कॉन्स्टेंट पुट करें और देखें कि जब कोई कैपेसिटर खाली हो रहा है तो एट टाइम टी इज इक्वल टू टाइम कॉन्स्टेंट उसमें कितना चार्ज है, तो मैंने टाउ पुट किया, टाउ टाउ वन हो गया, सॉल्व करके आंसर कितना आया, 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो डिस्चार्जिंग के अंदर टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब कैपेसिटर में चार्ज खाली हो रहा था, और इस टाइम कितना बच गया, 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। और चार्जिंग के अंदर टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब कैपेसिटर में चार्ज कितना हो गया, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो फिगर्स याद रखनी है, 63% और 37%। कभी कभी ऐसी टिक मार्क करने को आंसर आ जाता है कि 37 और 63 क्या मार्क करोगे। फिर बहुत देर के बाद अगर चेक करना है, कैपेसिटर खाली होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हम पुट करते हैं, यानी कि बहुत देर के बाद चार्ज क्या आएगा, जीरो। यानी कि कैपेसिटर खाली होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा,
और कितना टाइम लगाएगा? इन्फिनिटी। तो मतलब कैपेसिटर को भरना, फुली चार्ज करना भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और खाली करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। कैपेसिटर को इमीडिएटली खाली नहीं किया जा सकता और इमीडिएटली भरा भी नहीं जा सकता। ग्राफ इस इक्वेशन का मैथ्स में ऐसे बनता है, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज से होते होते ज़ीरो, ग्राफ इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करेगा, इन्फिनिटी पे हम बोलेंगे चार्ज ज़ीरो हो गया। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ग्राफ और फॉर्मूला सबको क्लियर है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूलाज मोर देन सफिशिएंट है। अब सब्जेक्टिव शीट नंबर 20। अब बताओ किसके पास सब्जेक्टिव शीट नंबर 20 नहीं है? एक, दो, तीन, उनको बोल के आओ सब्जेक्टिव शीट नंबर 20 का प्रिंटआउट दे दे। सब्जेक्टिव शीट 20 का प्रिंटआउट चाहिए, दो। ठीक, तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज सब्जेक्टिव शीट नंबर 20 का प्रिंटआउट लें सॉल्यूशंस का, और आज के टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको एक बार करके देखते हैं। ठीक, सब्जेक्टिव शीट नंबर 20 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है सब्जेक्टिव शीट नंबर 20 के अंदर। देखो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड इज चार्ज्ड, उसने बोला कैपेसिटर को क्या किया जा रहा है? चार्ज। तो फॉर्मूला किसका लगेगा? चार्जिंग का। देखो पहले आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है। तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, बैटरी की ईएमएफ 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन, फाइंड टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आरसी, आर पता है, सी पता है, आंसर। पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है यहां तक। दूसरा, उसने कहा फाइंड टाइम टेकन, टाइम बताओ यानी कि स्मॉल टी निकालना है, कब? जब चार्जिंग के दौरान चार्ज 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज हो गया जो कैपेसिटर स्टोर कर सकता है, यानी कि ये फॉर्मूला चार्जिंग का लगेगा। चार्जिंग के अंदर Q नॉट क्या होता है? मैक्सिमम सीई, सीवी की जगह सीई ईएमएफ, और हमने चार्ज कितना करना है? 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज का मतलब सीई का 99.99। हम टाइम टी निकालना चाहते हैं और हमें टाइम कांस्टेंट पता है 200, तो ये कैंसिल करें। इसको सॉल्व करने का काम मैथ्स वाले करेंगे, मेडिकल में नहीं आएगा। मेडिकल में इस टाइप की प्रॉब्लम आनी मुश्किल है, लेकिन टाइम कांस्टेंट तक उनका क्वेश्चन रहता है। आप सिर्फ मेथड देख लें मेडिकल वाले, आप ये लॉग वाली और एक्सपोनेंशियल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन नीट में नहीं आएंगे, पर नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ रही है स्टेप्स कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये टर्म इतनी आ जाएगी, इसको माइनस करेंगे और टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स लॉग लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व किया, लॉग टेबल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते जिनमें लॉग टेबल्स इन्वॉल्व हों। ज्यादातर क्वेश्चन अगर इस पे आते हैं तो लॉग के अंदर ही ऑप्शन मार्क होती हैं, ए बी सी डी ऑप्शन में लॉग ही मेंशन्ड होता है। तो इसलिए कैलकुलेशन वाला पार्ट में इतनी टेंशन ना लें, स्पेशली नॉन मेडिकल वाले। मेडिकल में चांस कम है इस क्वेश्चन का आने का, बहुत ही रादर लो है ही नहीं, मैं सच बताऊं। बस टाइम कॉन्स्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉग्स आपको इतने नहीं आते, बट नॉन मेडिकल को क्लियर है। तो ये असाइनमेंट में एक या दो क्वेश्चन ही मेडिकल के लिए हैं सिर्फ, बता दूंगा कौन से, जैसे टाइम कॉन्स्टेंट वाला एक आध और क्वेश्चन है, अदरवाइज प्लीज 10 मिनट के लिए आपको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। नॉन मेडिकल में तो आपको सारा ही करना है। हालांकि 2019 का पेपर मैंने व्हाट्सएप पे आज सेंड किया, कितने लोगों ने देखा? मतलब कोई लिमिट है आसान होने की भी, उससे आसान पेपर तो बस यही है कि कोई मेरे कोई साथ ले जाना और ए बी सी डी मेरे से मार्क करवा लेना, बस इससे नीचे तो यही है, या इससे नीचे ये भी है कि दो क्वेश्चन है, दो में से एक आएगा। अब इससे आसान तो एनसीईआरटी का पेपर भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी का पेपर इससे मुश्किल है, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी के उन्होंने न्यूमेरिकल दिए ना, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किए, 2019 का पेपर मैंने स्नैपशॉट भेजा है। मतलब बिलीव मी, अगर आप इस साल का बोर्ड का पेपर देख लोगे ना, वो भी आपको टफ लगेगा कि यार ये पेपर का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, पढ़ा भी नहीं जा रहा और मेंस का पेपर इतना आसान डाला उन्होंने। तो
कलर कोडिंग पे दो क्वेश्चन आए, मतलब डालने वाले की भी देखो आप कलर कोडिंग पे क्वेश्चन डाल रहा है इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी में से। फिर एक क्वेश्चन उसने डाला किस पे, वीडी इज इक्वल टू आई बाय एन ए, बस जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है उसका क्वेश्चन क्लियर है। अब इससे नीचे क्या होगा बताओ आप, अब अगर इतना भी नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक, तो मेरा मन ये बोलता है और मेरी स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि बहुत ही ज्यादा फर्स्ट राउंड में मेंस तक बहुत हाई लेवल करने की बजाय अगर हम एक मिड लेवल को टारगेट करते हुए और बेसिक चीजों को बहुत स्ट्रांग कर लें और रिटेन करके चले जाएं पूरा सिलेबस रिटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो अगर हम रिटेन करके चले जाएं बेसिक चीजों को भी तो मुझे लगता है और फॉर्मूले सारे याद है तो भी आपकी सिलेक्शन बहुत इजीली हो सकती है। टॉपिक कोई ना छोड़ें क्योंकि कई सेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के तीन क्वेश्चन आए हुए हैं और कईयों में मैग्नेटिज्म इससे भी बड़ा है, वो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, कईयों में थर्मो के चार क्वेश्चन है, किसी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं पता, कंप्यूटर सेलेक्ट कर रहा है, वो रेंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है उसका, क्योंकि जब मैनुअल बनता था तो ह्यूमन टच होता तो पता होता था कि ये डल गया ये रह गया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बस जो सिलेक्ट हो गया तो हो गया, तो इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़ के ना जाए, पता नहीं कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको। सेकेंड क्वेश्चन, दी प्लेट्स ऑफ 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू 400 माइक्रोकूलम, तो प्लेट्स तो ऑलरेडी चार्ज्ड हैं, यानी कि अब उसकी क्या होगी डिस्चार्जिंग। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं चार्जिंग डिस्चार्जिंग पता करने का। वो कह रहा है कि इतना चार्ज है और रेजिस्टेंस आपको गिवन है, फाइंड चार्ज रिमेनिंग ऑफ द कैपेसिटर वन सेकेंड कनेक्शन इज मेड, जब दो प्लेट्स के बीच में कनेक्शन बना दिया तो बताओ कि कितना चार्ज उसमें बच जाएगा। इस क्वेश्चन में बैटरी मेंशन नहीं, चेक कर लो, बैटरी नहीं गिवन ना, तो इसका मतलब चार्जिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि चार्जिंग के लिए क्या चाहिए बैटरी, तो पक्की बात है क्या होगी डिस्चार्जिंग। सही है यहां तक, तो कैसे पहचानना है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, बहुत तरीके हैं, स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा कि चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा डिस्चार्जिंग। टाइम कांस्टेंट मेडिकल वालों को आता है, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, तो क्या करेंगे आर इनटू सी, टाइम कांस्टेंट आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन शायद गलत किया हुआ है मैंने, ये सही आंसर नहीं है, इसको क्रॉस कर लो, मल्टीप्लाई करके सही कर लेना, टाइम कांस्टेंट आ गया। अब इसके अंदर टाइम वन सेकेंड पे आपको चार्ज बताना है, तो डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लिखें, मैक्सिमम चार्ज कितना क्वेश्चन में गिवन है 400 और फिर ई रेज टू पावर -1 बाय जो भी यहाँ टाइम कांस्टेंट होगा पुट कर देना, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, पर आप ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर सकते, मे बी आपको नॉन मेडिकल वालों को ऑप्शन ऐसे ही गिवन हो कुछ, तो ये ऑप्शन आप मार्क करेंगे, पर आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये समझ में आ रहा है बस। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ना प्लीज, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट की बैटरी, तो वैसे ही पता लग रहा है कि बैटरी कनेक्ट हो गई है तो डिस्चार्जिंग कैसे होगी, ज्यादातर केस में इसमें चार्जिंग ही होने वाली है। थ्रू अ रेजिस्टेंस आर गिवन है, इट इज फाउंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर रेजेस टू, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, 4 वोल्ट हो गया कितने टाइम पे 1 माइक्रोसेकेंड पे, फाइंड कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा चार्जिंग, चार्जिंग का फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन में V गिवन है, इंस्टेंटेनियस V गिवन है, तो मतलब V की वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल टू गिवन है, तो एक काम करते हैं इस दोनों साइड्स को C से डिवाइड कर लेते हैं, Q नॉट बाय C मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस, और Q बाय C क्या हो जाएगा पोटेंशियल एट टाइम t, तो हमने एक नया फॉर्मूला डराइव कर लिया कि पोटेंशियल की वैल्यू कैसे चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू
टाइम. तो इस केस में V की वैल्यू 4 है और V नॉट कितना है इस क्वेश्चन में, बैटरी की EMF कितनी है 12, तो बैटरी की EMF मैक्सिमम वोल्ट शो करेगी, तो 12 वोल्ट है और 4 वोल्ट है. यहाँ से सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से माइनस का प्लस करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा. लॉग लेंगे, लॉग लेके टाइम की वैल्यू ये आ जाएगी और हमें सी निकालना है. बाकी टर्म्स एक तरफ, हमें टाइम गिवन है और आर गिवन है, यहाँ से सी कैन बी कैलकुलेटेड और ये मेडिकल में नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? स्पेशली नॉन मेडिकल वालों को सिर्फ कैलकुलेशन ही और कुछ भी नहीं है, बेसिक फॉर्मूला पहले दो स्टेप्स क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ. देखो क्वेश्चन है, कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू 50 वोल्ट. एक कैपेसिटर 50 वोल्ट पे चार्ज हुआ, इज डिस्चार्ज बाय कनेक्टिंग, यानी कि क्वेश्चन डिस्चार्जिंग का है. कैपेसिटर खाली होगा और 50 वोल्ट पे चार्ज है. इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ड्रॉप टू 1 वोल्ट, 50 से सीधा 1 वोल्ट हो गया, इसका मतलब डिस्चार्जिंग हो रही है 10 मिली सेकेंड में, तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा 20 मिली सेकेंड पे. करेक्शन करो, मिली सेकेंड और यहां पर भी मिली सेकेंड करना, गलती से माइक्रो कर दिया मैंने, ये दोनों जगह मिली सेकेंड ही है. ठीक, तो ये बात समझ में आती है कि डिस्चार्जिंग की प्रॉब्लम है. डिस्चार्जिंग में चार्ज का ये फॉर्मूला क्लियर है, पर मेरे को चार्ज पे न्यूमेरिकल नहीं गिवन, मेरे को वी पे न्यूमेरिकल गिवन है. तो चार्ज को वी में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड को सी से डिवाइड कर दें, क्यू बाय सी वी हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज बाय सी मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाएगा. तो V का फॉर्मूला बन गया डिस्चार्जिंग में. पहले केस में क्या गिवन है कि V नॉट कितने, 50 वोल्ट मैक्सिमम है और हमारा पोटेंशियल 50 से कितना गिर गया 1, कितनी देर में 10 मिलीसेकंड में, टाइम की जगह 10, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/50 आ गई. इसको संभाल के रखेंगे, फिर सेम इक्वेशन लगाएंगे लेकिन इस बार टाइम को क्या पुट करेंगे 20 और हमें V निकालना है. V नॉट तो 50 है, 20 को लिखेंगे 10 × 2, 10 का स्क्वायर एक्सपोनेंट्स का रूल है और इस पूरे की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/50. सॉल्व करेंगे, हमारे पास V की वैल्यू आएगी. तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V. कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि एक बार जो है 10 मिली सेकेंड पे इक्वेशन है, एक बार 20 मिली सेकेंड पे इक्वेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ. अगेन नॉन मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल नहीं, मेडिकल वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है इसमें 8th, बस बाकी 5th क्वेश्चन देखें प्लीज. देखो क्या क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 20 माइक्रोकूलम, डिस्चार्ज थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, हीट डिसिपेटेड इन द वायर, हीट बताओ एक वायर में कितनी जनरेट होगी जब टाइम 25 से 50 माइक्रो सेकेंड है. तो क्वेश्चन डिस्चार्जिंग का बोल ही रहा है, वो डिस्चार्ज है, फॉर्मूला ये लगेगा. अब यहां से वायर में करंट जाएगा, करंट क्या होता है dQ/dt. आप Q को यहाँ पर पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके करंट आएगा, तो ये करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है. करंट जब टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हीट भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इसलिए पहले स्मॉल हीट निकलेगी I² R dt,
इंटीग्रेशन करके टोटल हीट निकलेगी बिकॉज आई इज चेंजिंग. आई जब कॉन्स्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगता है आई स्क्वायर आर टी. पर जब करंट चेंज हो रहा हो तो पहले स्मॉल हीट निकलेगी, फिर इंटीग्रेट करके टोटल हीट, टाइम की लिमिट पुट करनी पड़ेगी 25 से 50. आई की पूरी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ये रही होल स्क्वायर. अब मैथ्स में जिन्होंने इंटीग्रेशन की हुई है इसको इंटीग्रेट करेंगे, जिन्होंने नॉन मेडिकल में नहीं की वो वेट करें, मैथ्स के टीचर इंटीग्रेशन सिखाएंगे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. पर आपको टेक्निक समझ में आ गई कि कैसे आपने हीट निकालनी है, तो आपको एक आइडिया समझ में आ रहा है. वैसे तो चांसेस कम है, बट फिर भी यू नेवर नो. ये आज का जो पूरा लेक्चर है ये सिर्फ उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है कि गलत या टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ जाए इनमें से, तो कम से कम हम संभाल सकें. अदरवाइज इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है. अगर प्रोबेबिलिटी लगाएं पुराने पेपर में से तो शायद इस टॉपिक को छोड़ दिया जाए, बट अगर पुराने 10 साल के पेपर में प्रोबेबिलिटी लगाएं तो हाँ इसको कर लिया जाए, क्योंकि कभी ना कभी बीच बीच में आ सकता है. तो एटलीस्ट वहाँ ये ना हो कि हमने तो सुना ही नहीं है क्या होता है आरसी सर्किट्स, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए. ठीक. और क्वेश्चन इतने बड़े नहीं आते. अब जैसे ये क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन है, ये होमवर्क है जो इंटरेस्टेड है नॉन मेडिकल का. मेडिकल के तो करने की जरूरत नहीं है, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, मुश्किल नहीं है. चार्जिंग डिस्चार्जिंग आप ट्राई करना, और अगर नहीं निकला मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे स्टेप्स मैंने सारे लिख दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये होमवर्क रहेगा आपका. क्वेश्चन नंबर 8 मतलब ये खुद करेंगे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है वो कर लेंगे, और मेडिकल को जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8 टाइप क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में बहुत आते हैं, छोटे हैं ना, फटाफट खत्म हो जाते हैं. तो ये क्वेश्चन में आपको ना अलग अलग सर्किट देगा, आर और सी वन सी टू आर वन आर टू की वैल्यू भी देगा. आपको वो पूछेगा टाइम कांस्टेंट निकालो इन सर्किट का. तो आपने क्या करना है, टाइम कांस्टेंट बहुत सारे सी और बहुत सारे आर में एक ही तरीका होगा, आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट. आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, ये दोनों किसमें है पैरेलल में, ये दोनों किसमें है सीरीज में. लगा लोगे आंसर सेकंड में आंसर आएगा, टाइम कांस्टेंट यूनिट सेकंड होते हैं, तो ये आंसर आएगा. फिर दूसरे केस में ये दोनों किसमें है पैरेलल में, ये किसमें है सीरीज में. कर लोगे सॉल्व. फिर ये दोनों किसमें है पैरेलल में, ये दोनों किसमें है पैरेलल में. पहले इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट आर निकलेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके टाइम कांस्टेंट आएगा. तो आई होप इस टाइप की प्रॉब्लम तो एटलीस्ट सॉल्व हो ही जाएगी. क्लियर है यहां तक? अगर किसमें इसमें वो स्टेडी करंट है तो जीरो होगा उसमें कैपेसिटर में, या तो वो न्यूमेरिकल आएंगे जो ऊपर चल रहे हैं, या स्टेडी स्टेट आएगा. अभी करके दिखाता हूं स्टेडी स्टेट. रुक, बीच में कुछ नहीं आएगा. ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना. क्वेश्चन नंबर 10 नॉन मेडिकल वाले देख सकते हैं, सिर्फ नॉन मेडिकल वाले प्लीज क्वेश्चन देख लें, मेडिकल में जरूरत नहीं. लास्ट क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं. देखो इस क्वेश्चन में इन चार्जिंग अ सिंगल लूप ऑफ आरसी सर्किट आफ्टर हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट द पोटेंशियल एनर्जी इन अ कैपेसिटर विल बी 25% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू. 25% का मतलब 1/4 हो जाएगी एनर्जी. तो पहले बताओ एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में. अब क्योंकि इसमें चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग का चार्ज का ये फॉर्मूला है. आप इस पूरे चार्ज को यहाँ पुट कर दो, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो एनर्जी का ये फॉर्मूला है. एनर्जी टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज. और क्वेश्चन में गिवन है यू नॉट का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी जो हमारी एनर्जी आई
वो कह रहा है कि टाइम टी बताओ कि हमारी एनर्जी 25% ऑफ मैक्सिमम एनर्जी हो जाए, तो हमारी एनर्जी यू है 1/4 ऑफ यू नॉट, यू नॉट का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, पर अगर मैं वी की जगह ईएमएफ पुट करूंगा तो ये मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल, यू की वैल्यू हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, तो ये टर्म यहाँ रखते हैं और यू की जगह पूरे का पूरा यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेट, तो यू की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी। फिर मैथ्स वाले लोग इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके टाइम की ये वैल्यू आएगी और वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि टाइम इज हाउ मेनी टाइम्स टाइम कॉन्स्टेंट, तो टाइम कॉन्स्टेंट हाउ मेनी टाइम्स का आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ टू। तो ऐसे कुछ आंसर इसको मार्क करना है। तो एक आइडिया मेरे ख्याल से आरसी सर्किट्स का सबको हो गया कि कल को बाई चांस अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कैसे उसे सॉल्व करना है, एटलीस्ट आपको आइडिया है, ठीक फॉर्मूलाज याद करने हैं और उनको अप्लाई करना है। नेक्स्ट हैंड रिटन शीट एक सिंगल पेज की मिली हुई है 53, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं 53 नंबर शीट का प्रिंट आउट लें। कितने लोगों के पास नहीं है ये शीट अब, 1 2 3 3 53 माँ तो बोलियो। चलो ठीक, अभी शीट आ जाएगी जिनके पास नहीं है, बाकी लोग इधर देखो प्लीज। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये, बहुत बुक्स में बहुत फेमस क्वेश्चन है। आपको एक सिंपल बैटरी और रेजिस्टेंस लगा के कोई सर्किट देगा, आपको कहेगा ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, जस्ट ओम लॉ को चेक करता है। अगर ये वायर की कोई रेजिस्टेंस कोई बैटरी ना होती, सिंपल कंडक्टर होता बिना रेजिस्टेंस के, तो ए और बी का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम हो जाता। बट इस केस में शीट किसको चाहिए प्लीज ले लो। तो वी ए, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं वी ए और मैं वी बी तक जा रहा हूं, तो वी ए किरचॉफ लॉ में जब हम करंट की तरफ जाते हैं तो माइनस 2 × 2, प्लस से माइनस आ रहे हैं तो माइनस 3, करंट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस 1 × 2, मस्ट बी इक्वल टू वी बी, वी ए माइनस वी बी कैन बी कैलकुलेटेड, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ये ए और बी देख के, ए से स्टार्ट होके बी तक जाने में वी ए माइनस वी बी निकाल लोगे, आंसर क्लियर अभिषेक यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली नीट में आया है, प्लीज एक बार पढ़ना और चेक करके देखो कितने लोगों को समझ में आता है।
ठीक, कितने लोगों को समझ में आ गया? देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, फिलामेंट जिसके ऊपर लिखा हुआ है 500 वॉट का बल्ब है, 100 वोल्ट वोल्ट पे चलाओगे 500 वॉट पावर देगा, वो कह रहा है कि इसको 230 वोल्ट पे चलाएंगे 230 वोल्ट पे मेन सप्लाई पे, व्हेन रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो नॉर्मली मैंने आपको सिखाया था कि सीरीज में लगने के बाद बल्ब उतनी पावर दे नहीं पाता, उससे कम पावर देता है क्योंकि वी डिवाइड हो जाता है, पर उसने ये कहा इट वर्क्स परफेक्टली और वो 500 वॉट पावर ही बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 500 वॉट निकाल रहा है सीरीज में लगने के बाद भी, इसका मतलब इसको अपनी 100 वोल्ट की वोल्टेज मिल गई, क्योंकि इसको 100 वोल्ट मिल गया होगा तब ये 500 देगा। सीरीज में पावर कम क्यों होती है, क्योंकि वोल्टेज कम मिल जाती है सीरीज में बढ़ने की वजह से और पावर भी कम हो जाती है, पर इस केस में उसको उसने बोला कि इट वर्क्स परफेक्टली, इसका मतलब है कि इस और 500 वॉट बाहर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब इसको 100 वोल्ट मिल गए। टोटल वोल्टेज थी कितनी 230, 100 वोल्ट इसको मिल गए, बचा कितना 230 में से 100 गया तो 130, तो इस रेजिस्टर में वोल्टेज कितनी डेवलप हो गई 130। ये स्टेप समझ में आया कि इसको 100 मिल गया तभी परफेक्टली काम कर रहा है, तो 230 में से 100 गया तो 130, तो पावर इसकी 500 है, वोल्टेज इसकी 100 है, यहां से पावर इज V इंटू I से I निकाल लो, करंट यानी कि 5 एम्पियर है, करंट इसमें 5 एम्पियर है, करंट दोनों में सेम रहेगा सीरीज में है, ओम लॉ लगाओ यहां पर I इंटू R, 5 इंटू R इज इक्वल टू 130, 5 इंटू R इज 130, R की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आया यहां तक कि बल्ब से करंट आएगा और वो करंट R में जाएगा, फिर ओम लॉ से R कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप मेंस का पेपर देख लो चाहे नीट का देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है उसकी सिलेक्शन पक्का होगी ही होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। कितने लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? देखो इजी क्वेश्चन है, इन अ गिवन सर्किट डायग्राम व्हेन द करंट रीचेस द स्टेडी स्टेट। अब देखो स्टेडी स्टेट का मतलब कि अब करंट कांस्टेंट है और कांस्टेंट करंट कैपेसिटर के अंदर से पास नहीं होता, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये क्वेश्चन आरसी सर्किट का है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, या वैसी सॉल्व हो जाएगा कि हम ये डिसाइड कर लें कि कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा। इन क्वेश्चंस की पहली पहचान तो ये होती है कि जिन क्वेश्चन में कैपेसिटर के साथ बैटरी लगी हो और साथ में लगा हुआ एक स्विच, तो उस केस में आपको पता लग जाता है, वो कहेगा स्विच ऑन किया, अब स्विच ऑन करते इमीडिएटली तो चार्ज होता नहीं, तो इट विल टेक टाइम टू गेट चार्ज, इसलिए ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का टॉपिक है। लेकिन जिनमें स्विच नहीं लगा होता, बस बैटरी और कैपेसिटर है, इसका मतलब क्लियर होता है ज़्यादातर केस में कि कैपेसिटर स्टेडी करंट की तरफ है और इसने चार्ज ले लिया जितना लेना था, अब कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जाएगा। बाकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ के समझ में आ जाता है, इसने बोली दिया स्टेडी है, अब फिर मैं करंट को चेंज क्यों करूंगा, फिर तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट करंट है तो कैपेसिटर की वायर में कोई करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट यहीं से हो जाएगा, तो टोटल करंट आउटर बाउंड्री में कितना आएगा, ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस आर टू, ये रहा करंट।
तो आपको कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इस ब्रांच में यहाँ पे तो कोई करंट है नहीं, इसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, बिकॉज दो वायर्स किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा वो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कैपेसिटर का चार्ज अपॉन सी, ये रहा। और ए और बी में क्या होगा, ओम लॉ लगाओ, आई इंटू आर टू। आई हम निकाल चुके हैं, पुट कर दें तो आई इंटू आर टू इज इक्वल टू कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, और वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक? तो फिर एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट ही चेक हो रहे हैं इसमें, पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो हैंड रिटन शीट नंबर 54 का प्रिंट आउट लेंगे, हैंड रिटन तो नहीं है बट नंबर 54 बोला है आपने, तो टॉपिक का नाम है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। कितने लोगों को असाइनमेंट नहीं मिली? ओके, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट 54 नंबर शीट, ये टॉपिक के ऊपर लिखो सबसे पहले नॉट इन एनसीईआरटी। ठीक,
वैसे ये बुकलेट के अंदर मैंने डाला था फिफ्थ चैप्टर या जो भी चैप्टर है, मैंने निकाल लिया क्योंकि बुकलेट में कंफ्यूजन होती है कि एनसीईआरटी है कि नहीं, तो ये नहीं है एनसीईआरटी में। अगर एनसीईआरटी में होता तो मैं पक्का येलो बुकलेट में पक्का डालता, इसलिए मैंने उसको निकाल ही दिया ताकि आप जब बोर्ड्स की तैयारी करोगे आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। तो इसके अंदर थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट में मेन मेन तीन चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, हम बस उसी पे फोकस करेंगे और चैप्टर को क्लोज करेंगे। आलतू फालतू कुछ नहीं करना, टू दी पॉइंट और काम खत्म। आने की प्रोबेबिलिटी मेडिकल में ज़्यादा है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट और एम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, और नॉन मेडिकल में मैं कह नहीं सकता, उसमें तो कुछ भी आता है, बट फिर भी प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि दो चार साल से क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। बट ये नहीं है कि कंप्यूटर सेलेक्ट नहीं करेगा, मैं कह नहीं सकता, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर ये चैप्टर स्टार्ट है विद अ टर्म ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल का मतलब होता है, हाँ इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, थर्मो इलेक्ट्रिक का मतलब हीट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इज थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीट हम जनरेट करेंगे, उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम क्या करेंगे, एक थर्मोकपल लेंगे। थर्मोकपल होता है दो अलग अलग किस्म की वायर्स लेना, आयरन गोल्ड, गोल्ड सिल्वर, आयरन कॉपर, कॉपर सिल्वर कुछ भी ले लो, और इनके दो जंक्शंस। अगर आप एक जंक्शन का टेम्परेचर डाउन करो दूसरे जंक्शन का टेम्परेचर अप करो, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर रहे हो, अंदर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, दोनों मटेरियल्स डिफरेंट हैं, हीटिंग अफेक्ट से डिफ्यूजन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रिक करंट शायद एक LED भी ऑन ना कर पाए, इतना कम करंट है, लेकिन कुछ तो होगा, चाहे माइक्रो के अंदर हो चाहे मिली के अंदर हो, कुछ तो होगा, तो करंट का कॉन्ट्रीब्यूशन तो माना जाता है। तो बहुत कम करंट है, बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज नहीं होती, बट ये अफेक्ट को थर्मो इलेक्ट्रिक अफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किसने, साइंटिस्ट ने किया था, सीबैक, तो इसलिए इस अफेक्ट को क्या बोलते हैं, सीबैक अफेक्ट। तो सीबैक अफेक्ट है कि एक थर्मोकपल के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करो, उसमें करंट जनरेट होगा, सीबैक अफेक्ट है। और इस अफेक्ट का दूसरा नाम है थर्मो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। थर्मो इलेक्ट्रिक अफेक्ट और सीबैक अफेक्ट वन एंड द सेम थिंग। सीबैक ने कुछ ग्राफ से कुछ कैलकुलेशंस हमें दी जिसके ऊपर हमें तीन चार क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सीधी बात करता हूँ कि ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, थर्मो ईएमएफ एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस किसका किसका, कोल्ड जंक्शन का और हॉट जंक्शन का। तो हॉट जंक्शन का टेम्परेचर T2, कोल्ड का T1, तो टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। पर नॉर्मली कोल्ड का टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो अगर मैं हॉट का टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊं तो देयर विल बी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर का डिफरेंस। तो अगर मैं टेम्परेचर को सिर्फ हॉट को ही गर्म करूं, मीन इंक्रीज करता जाऊं, कोल्ड को ना छेड़ूं, फिक्स कर दूं, तो भी टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ईएमएफ की वैल्यू कैसे चेंज होगी। जहां क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस से करंट जनरेट होगा वहां ईएमएफ होगी, तो ईएमएफ या वोल्टेज जो डेवलप होगी इसको थर्मो ईएमएफ बोलते हैं इस चैप्टर में। तो सीबैक ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाया, तो उसने देखा कि ईएमएफ बढ़ती 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 गई, फिर पीक वैल्यू अटेन करती हुई टेम्परेचर और बढ़ाया तो बढ़ने के बजाय उल्टा ईएमएफ कम हो गई और फिर इन्वर्ट हो गई, उल्टी तरफ चलनी स्टार्ट हो गई, यानी कि डायरेक्शन करंट की थोड़ी देर बाद रिवर्स भी हो सकती है। तो उसका ये ऑब्जर्वेशन था, उसने कई थर्मोकपल लिए, आयरन कॉपर, कॉपर गोल्ड कुछ भी अलग अलग, लेकिन ग्राफ एक ही तरीके का बना हर के अंदर और वो पैराबोलिक ग्राफ बना। तो आपने याद करना है, आपको ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि करेक्ट ग्राफ प्लॉट करो किसका, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ का और टेम्परेचर डिफरेंस का, ये ग्राफ की शेप याद करनी है। दूसरी चीज याद करनी है, इसमें बना लेना जहां मैं बना रहा हूं अभी, ये टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन है 0, जहां पीक वैल्यू अटेन होती है इस, क्योंकि हम हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, कोल्ड को तो टच नहीं कर रहे, तो जब हम हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा हॉट जंक्शन का जब ईएमएफ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इस हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को बोलते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। तो बना लो यहां पर थीटा सी, बना लो यहां पर थीटा एन, और एक ऐसा हॉट जंक्शन का टेम्परेचर आएगा
जब ईएमएफ बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो, और फिर डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर देगी, इस टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन को बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो तीन टेम्परेचर्स हैं इसमें, कोल्ड जंक्शन, न्यूट्रल टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो ये तीन पॉइंट्स यहां पर बनाओ, बन गए तीनों पॉइंट्स। फिर सीबैक ने एक और रिजल्ट दिया, ये ग्राफ हमेशा सिमेट्री में बनेगा, सच दैट दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो इसमें ये डिस्टेंस क्या होगा, थीटा एन माइनस थीटा सी, और ये डिस्टेंस क्या होगा, थीटा आई माइनस थीटा एन। तो इनका जो डिफरेंस होगा इसके डिफरेंस के इक्वल होगा, ये रूल है किसी भी थर्मोकपल में, ये सेम रूल है। तो आप ग्राफ के नीचे लिख लेना, थीटा एन ऐड कर लो, टू टाइम्स थीटा एन इज इक्वल टू थीटा आई प्लस थीटा सी, तो थीटा ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा आई प्लस थीटा सी डिवाइडेड बाई टू। ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि न्यूट्रल टेम्परेचर मिड पॉइंट पे होता है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के, ये याद रखना है। तो ये फॉर्मूला प्लीज नीचे लिख लो इस ग्राफ के, ठीक है यहां तक। तो एक तो अफेक्ट पता होना चाहिए, दूसरा ग्राफ पैराबोला पता होना चाहिए, तीसरा ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद कर रहे हो मेन मेन पॉइंट्स, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में, से छेड़ने की भी जरूरत नहीं, मैं जो जो पॉइंट मार्क करवा रहा हूं सफिशियंट है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें ये प्रॉपर्टी स्पेशली मेडिकल वालों को आ जाती है, वैल्यू ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बॉक्स में डाल लो, इज कॉन्स्टेंट फॉर अ थर्मोकपल एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटीरियल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोल्ड जंक्शन। ये तीन पॉइंट्स को प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कई बार थ्योरी का क्वेश्चन स्पेशली मेडिकल वालों को आ जाता है कि जो न्यूट्रल टेम्परेचर है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से मेडिकल वालों को ये भी आ जाता है, इसको बॉक्स में डाल लेना, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन एंड नेचर ऑफ मटीरियल, तो इसको भी बॉक्स में डाल लेना। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मुश्किल ही लगता है वैसे इस पर, बट हाँ बुक्स में इसकी प्रॉब्लम आपको दिखेंगी। ये भी पॉइंट क्लियर है। फिर नेक्स्ट एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं सीबैक कोफिशेंट, या फिर बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो इस टॉपिक को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, जो आपकी थर्मो ईएमएफ है ना, थर्मो ईएमएफ वो पैराबोला की शेप एक्वायर करती है, आपने वो देखा पैराबोला। सीबैक ने क्या किया, पैराबोला की ट्रजेक्ट्री की इक्वेशन बनाई, और उसकी इक्वेशन थी एल्फा इंटू थीटा प्लस हाफ इंटू बीटा इंटू थीटा का स्क्वायर, वेयर थीटा इज टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, आप हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी। तो ये इसका ग्राफ है, ये इसकी इक्वेशन है, इसको बॉक्स में डाल लो, थर्मो ईएमएफ की ये इक्वेशन उसने हमें फॉर्मूला दिया। फिर उसने एक कोफिशेंट डिफाइन किया, सीबैक कोफिशेंट, सीबैक कोफिशेंट कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मो ईएमएफ का नाम है सीबैक कोफिशेंट। तो आप अगर डी बाय डी थीटा करोगे तो जो आंसर आएगा वो सीबैक कोफिशेंट होगा, जैसे कि इसमें डी बाय डी थीटा ऑफ एल्फा इंटू थीटा प्लस हाफ इंटू बीटा इंटू थीटा का स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो सीबैक कोफिशेंट का ये फॉर्मूला बनता है, सीबैक कोफिशेंट का मैंने करके दिखाया हुआ है, ये आपके पास सीबैक कोफिशेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, अदर है ही नहीं, और फिर भी मैंने बता दिया कि ये सीबैक कोफिशेंट है। क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा अब ये सुन लो, क्वेश्चन आएगा कि E का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, अल्फा इंटू थीटा प्लस हाफ इंटू बीटा इंटू थीटा का स्क्वायर। वो कहेगा कि मुझे न्यूट्रल टेम्परेचर निकाल के बताओ क्या होगा। न्यूट्रल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब ईएमएफ, थर्मो ईएमएफ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और मैथ्स में किसी भी चीज को अगर मैक्सिमाइज करना है तो उसको डिफ्रेंशिएट और इक्वल टू जीरो। तो डी बाई डी थीटा ऑफ E की जगह अल्फा थीटा हाफ इंटू बीटा इंटू थीटा का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। लेकिन इस टेम्परेचर का नाम क्या रखेंगे अब, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि अब ये टेम्परेचर पे ईएमएफ को हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम, तो इस टेम्परेचर का नाम है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल टेम्परेचर का फॉर्मूला माइनस अल्फा बाय बीटा आएगा, ये मैंने सारा इसमें करके दिखाया हुआ है। तो यहां तक क्लियर है कि हाउ टू कैलकुलेट न्यूट्रल टेम्परेचर, और फॉर्मूला न्यूट्रल टेम्परेचर का भी क्लियर है। तो इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे अभी बताऊंगा। एक अफेक्ट है पेल्टियर अफेक्ट,
चांस कम है क्वेश्चन आने का. पेल्टियर अफेक्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा सीबैक अफेक्ट. सीबैक अफेक्ट क्या था? अगर एक थर्मोकपल है और आपने अगर टेम्परेचर एक जंक्शन का बढ़ाया, एक का कम किया, तो करंट जनरेट हुआ. पेल्टियर कहता है कि आप करंट खुद जनरेट करो थर्मोकपल में बैटरी लगा के. आप ये देखेंगे जब आपने करंट जनरेट किया, एक जंक्शन ऑटोमेटिकली गर्म हो गया और एक जंक्शन ऑटोमेटिकली कोल्ड हो गया. तो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अपना मेंटेन हो गया, अपने आप मेंटेन हो गया. सीबैक कहता है टेम्परेचर डिफरेंस चेंज करो, करंट जनरेट होगा. पेल्टियर कहता है करंट जनरेट करो, टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट हो जाएगा. रिवर्स अफेक्ट है. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा सा कम है. फिर भी बता देता हूं कि पेल्टियर कोफिशियंट क्या होता है. एक जंक्शन पे हीट निकलेगी, एक पे एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि एक गर्म हो रहा है और एक ठंडा हो रहा है. कितनी हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है डिवाइडेड बाय कितना चार्ज उसमें हमने पास किया, इस कोफिशियंट को पेल्टियर कोफिशियंट बोलते हैं. मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन आता देखा नहीं, पर फिर भी एक लाइन में मैंने बता दिया कि अगर क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आपको क्या समझ में आना चाहिए, सफिशियंट है. डिफरेंस डिफरेंस तो क्या ही करना, अभी कुछ नहीं करना है. थॉमसन अफेक्ट कर लेते हैं लास्ट. थॉमसन अफेक्ट भी मैंने क्वेश्चन कभी नहीं देखा थॉमसन पे. सिर्फ एक लाइन में बता देता हूँ थॉमसन अफेक्ट क्या है, कि अगर आपके पास एक वायर है, एक कंडक्टर है, और ये अनइक्वल हीटेड है, एक तरफ से ज़्यादा गर्म है, ये थोड़ा कम गर्म है, ये कम गर्म है, और यहाँ तो बिल्कुल ही ठंडा है, ये रहा. तो अगर आप इस एंड पे हीट दोगे तो ये हीट ये लेगा नहीं, ये बाहर निकालनी शुरू कर देगा. और अगर आप इस एंड पे हीट दोगे तो ये एब्जॉर्ब करनी शुरू कर देगा. ये थॉमसन अफेक्ट है. ऑब्वियसली जो पहले से गर्म है वो हीट को बाहर निकाल देगा, जो ठंडा है वो हीट को एक्सेप्ट कर लेगा. तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता. मुझे लगता है कि इतनी थ्योरी मोर देन सफिशिएंट है. अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन हमारा ठीक होगा. आप एक काम करो, सब्जेक्टिव शीट नंबर 19 कर रहे थे, कौन सी थी, हाँ 19, सब्जेक्टिव 19 के अंदर क्वेश्चन नंबर आपने देखना है 7. कितने लोगों के पास सब्जेक्टिव शीट नंबर 19 नहीं है? सबके पास है. जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज अपना प्रिंट आउट ले लें सब्जेक्टिव शीट नंबर 19 के सॉल्यूशंस का. तो क्वेश्चन क्या है कि कोल्ड जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर आपको गिवन है. कोल्ड जंक्शन का मतलब थीटा सी गिवन है. क्लियर है पहला पॉइंट. कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच थर्मो ईएमएफ वुड बी मैक्सिमम. तो क्या निकालने को कह रहे हैं? न्यूट्रल टेम्परेचर, क्योंकि न्यूट्रल पे ईएमएफ मैक्सिमम है. और कब? जब थर्मो ईएमएफ चेंजेस साइन. चेंजेस साइन का मतलब वो रिवर्स होने वाली है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन. तो केल्विन में गिवन है, डिग्री में निकाल लो. ये फॉर्मूला न्यूट्रल का हमें पता है, एवरेज कर लो, आंसर आ गया. तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है इन टाइप के न्यूमेरिकल्स को, कैसे करना है. ठीक है यहां तक? जैसे क्वेश्चन में गिवन है थर्मो ईएमएफ ई किसी थर्मोकपल का अप्रोक्सीमेटली इस फॉर्मूले को फॉलो करता है. हमें ऑलरेडी आता है ये फॉर्मूला ई का, वेयर ई माइक्रोवोल्ट में है, ए गिवन है, बी गिवन है. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन? थीटा इसमें क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन. जब ईएमएफ इसके इक्वल है तो आप इस फॉर्मूले में ईएमएफ पुट करें, ए पुट करें, बी पुट करें, थीटा में क्वाड्रेटिक बनाएं, थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो हॉट जंक्शन का टेम्परेचर माना जाएगा. कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करना है, आंसर आएगा. पॉइंट क्लियर है यहां तक? ज्यादातर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस टाइप के न्यूमेरिकल की है कि जिसमें ईएमएफ की वैल्यू हमें गिवन है, थीटा के साथ ऐसे चेंज हो रही है, आपको न्यूट्रल टेम्परेचर निकालना है. और मैंने आपको बताया न्यूट्रल टेम्परेचर पर ईएमएफ क्या होगी? मैक्सिमम. किसी भी चीज को मैक्सिमम करने के लिए उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड इक्वल टू जीरो, ई की वैल्यू को पुट करते हैं, जो टेम्परेचर जब आएगा ऑटोमेटिकली क्या आएगा? न्यूट्रल टेम्परेचर. तो एक स्टेप में आंसर आएगा. क्लियर है यहां तक? न्यूट्रल टेम्परेचर पर आने का सबसे ज्यादा चांस है इसमें. जैसे क्वेश्चन है कि एक जंक्शन है और जिसका कोल्ड टेम्परेचर जीरो है, हॉट टेम्परेचर 100 है, तो इस केस में कैलकुलेट सी बैक ईएमएफ जब ए गिवन है और बी गिवन है. तो ईएमएफ का फॉर्मूला आता है ए गिवन है, बी गिवन है, बी नेगेटिव में गिवन है, थीटा हॉट जंक्शन का टेम्परेचर 100 गिवन है. पुट करके आंसर आ गया, सिंपल फॉर्मूला पुट किया, ईएमएफ आ गई. और दूसरा क्या निकालना है? न्यूट्रल टेम्परेचर.
न्यूट्रल का फॉर्मूला ए और बी में मैंने ड्राइव किया था, माइनस ए बाई बी, बी नेगेटिव में गिवन है, यहाँ से ऑटोमेटिकली न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल टेम्परेचर आ गया, फिर वो कहेगा टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन निकालो, न्यूट्रल टेम्परेचर का ये फॉर्मूला, न्यूट्रल हमने निकाल लिया, कोल्ड हमें जीरो गिवन है क्वेश्चन में जीरो, और यहाँ से टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये एक जस्ट एक आइडिया है कि बाय चांस अगर इस चैप्टर में से कुछ आता है, एटलीस्ट आपको पता है कि दो चार फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, और मेडिकल में आने का चांस ज़्यादा है, वैसे मैं बता दूँ। ठीक, लास्ट जो टॉपिक है आज का, केमिकल अफेक्ट ऑफ करंट, शीट नंबर 55 का प्रिंट आउट लें जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके पास असाइनमेंट नहीं है केमिकल इफेक्ट की? सबके पास है। ठीक, केमिकल इफेक्ट की असाइनमेंट के ऊपर लिखें नॉट फॉर एनसीईआरटी। ठीक, पढ़ने मत बैठ जाना स्कूल के लिए। और सबसे मजे की बात, इसके अंदर थ्योरी में कुछ है ही नहीं, विद इन 120 सेकेंड यह खत्म हो जाएगी, देखना। देखो कैसे केमिकल इफेक्ट, इससे छोटा चैप्टर नहीं मिलेगा। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब, इलेक्ट्रोलाइसिस किया केमिस्ट्री में, करंट पास करो, आयंस में टूट जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट खत्म। आपने केमिस्ट्री में किए हैं फेराडेज लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, एम इज इक्वल टू जेड आई टी सुना हुआ है, वेयर जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ में ही सुना होगा कि मास डिपॉजिटेड डिपेंड्स अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज होता है। ठीक, एक चीज और बता देता हूं इसमें, बस इतना ही है ये। ठीक, बैक ईएमएफ बता देता हूं, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसको वोल्टामीटर बोलते हैं, वोल्ट नहीं, वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये प्लस और माइनस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगा, आयंस नेगेटिव प्लस को अट्रैक्ट हो जाएंगे और माइनस पे प्लस अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपने बाहर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट अप्लाई किया और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, तो लेकिन आयंस उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंगे और उल्टा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देंगे, क्योंकि उल्टे आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ये उल्टी ईएमएफ को क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ, जो आयंस डिपॉजिट होने की वजह से होते हैं। तो इसमें अगर कोई पूछेगा करंट क्या है, तो करंट के लिए आप क्या बोलेंगे कि बाहर हमने ईएमएफ अप्लाई की 10, अंदर उल्टी ईएमएफ डेवलप हो गई 2, अपॉन रेजिस्टेंस आर करंट आ जाएगा। तो कभी भी बैक ईएमएफ वर्ड यूज हो इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो अप्लाइड ईएमएफ में से बैक ईएमएफ को सबसे पहले माइनस करना है, फिर करंट आएगा। जैसे आपको किसी भी क्वेश्चन में ये वी गिवन है, बैक ईएमएफ ई गिवन है, तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी माइनस ई डिवाइडेड बाय आर, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया, इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद लास्ट है मैक्सिमम पावर थ्योरम, जो ऑलरेडी हमने की हुई है, मैक्सिमम पावर थ्योरम को डिस्कस नहीं करेंगे, तो मैंने कहा था इससे छोटा चैप्टर हो नहीं सकता। ठीक, और जो अभी एक शीट कर रहे थे सब्जेक्टिव, 19 शीट कर रहे थे शायद, अभी 19 का क्वेश्चन नंबर 1, 19 शीट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है फॉर व्हाट, ध्यान इधर, कितने फॉर व्हाट टाइम, टाइम निकालना है जब 2 एम्पियर का करंट पास करेंगे और मास डिपॉजिटेड क्या आएगा, 1 ग्राम आएगा, जेड आपको गिवन है, मास पता है, करंट पता है, ईसीई पता है, एम इज जेड आई टी, टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो सिंपल, एम इज इक्वल टू जेड आई टी का प्रॉब्लम। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको एक सिल्वर और कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर वोल्टामीटर गिवन है पैरेलल में, पैरेलल में ये पैरेलल में कनेक्शन है और नीचे बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट की, इसमें मास डिपॉजिटेड गिवन है, जेड गिवन है, टाइम गिवन है, आपको बताना है टोटल पावर कंज्यूम कितनी है। टोटल पावर इज टोटल ईएमएफ इनटू टोटल करंट, तो टोटल पावर इज टोटल ईएमएफ 6 वोल्ट इनटू करंट। टोटल करंट निकालने के लिए आपको सिल्वर का करंट और कॉपर का करंट निकालना है और इन दोनों को ऐड करना है, तो
तो आई वन प्लस आई टू तो आई आएगा। अब कॉपर और सिल्वर में कितना करंट जा रहा है उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, कॉपर के लिए एम इज इक्वल टू जेड आई टी, सिल्वर के लिए एम इज इक्वल टू जेड आई टी। टाइम दोनों का सेम है 1800 सेकेंड हाफ आवर। आप पहले कॉपर का करंट निकालेंगे क्योंकि मास डिपॉजिटेड कॉपर की और जेड पता है, फिर आप सिल्वर का निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल करंट आएगा वी इंटू वाई से टोटल पावर आएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो सिंपल न्यूमेरिकल है ये भी। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में सिल्वर एंड कॉपर वोल्टामीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, इस बार सिल्वर का एंड कॉपर का वोल्टामीटर आपने सीरीज में कनेक्ट किया 12 वोल्ट बैटरी के साथ, एंड इट इज फाउंड दैट इतने ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट गिवन है 15 मिनट में, कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ ये बताओ। सीरीज में बोलो करंट क्या रहेगा, सेम। तो आप क्या करोगे, सिल्वर डिपॉजिट पता है, जेड वन सिल्वर का कॉपर का पता है, टाइम आपको पता है, तो आप फॉर्मूला और ईएमएफ आपको पता है। आप एक बार फॉर्मूला लगाएं, करंट सेम है, एम इज इक्वल टू जेड आई टी सिल्वर के लिए, एक बार कॉपर के लिए, करंट सीरीज में सेम है, टाइम भी सेम है, इन्हें डिवाइड कर लें, रेशियो आ जाएगी। आपको इस क्वेश्चन में जेड टू पता है, जेड वन पता है, मास डिपॉजिटेड सिल्वर का पता है, किसका निकालना है, कॉपर का आंसर, ठीक। और इसके अंदर एक और चीज निकालनी है, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ईएमएफ इनटू करंट, एनर्जी का मतलब ईएमएफ ऑफ द बैटरी इनटू करंट ऑफ द बैटरी इनटू टाइम। करंट की वैल्यू आप जहां से मर्जी निकाल लो, एम इज इक्वल टू जेड आई टी में से ही निकाल ली, टाइम से टाइम कैंसिल, ईएमएफ पता है, मास पता है, जेड पता है, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस असाइनमेंट में से केमिकल इफेक्ट में से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, ना के बराबर है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया एम इज इक्वल टू जेड आई टी की प्रॉब्लम से अगर वोल्टामीटर पे कोई क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, सफिशियंट है इतना। और इसी के साथ आपकी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी खत्म है। अगली बार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नॉर्मली मैं अपनी यहाँ की एक करेक्टरिस्टिक बता देता हूँ, पहले दो यूनिट में नॉर्मली हमारे यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत जगह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी टपने वाला हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एंड रेस में हमारी ही गाड़ी आगे जाएगी, क्योंकि ये जो दो यूनिट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये करने के बाद जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे आपको बहुत ईजी फील होगा, और ईएमआई एसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बहुत भरी पड़ी इलेक्ट्रिसिटी ईएमआई एसी में, तो जब हम उसमें करेंगे आपको वो भी ईजी फील होगा, उसमें हमारी स्पीड ठीक रहेगी। और इजी चैप्टर है, कोर फिजिक्स के चैप्टर है, बहुत कुछ आएगा अब इस महीने के अंदर से, तो आपको डेली पढ़ना है और सीरियसली पढ़ना है। तो अगली बार स्टार्ट करेंगे नई यूनिट से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।